हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूजीसी नेट का वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप NTI UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी में अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कम्प्लीट कोर्स कराया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट, क्विजेस होते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रेफरल कोड डाल सकते हैं EasyNotesNTA, 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना तो अनअकैडमी का जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। एवरी मंडे यहाँ पर होती हैं, जो नए बैचेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। आप चाहें तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं MCQ बैचेस के क्लासेस। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करा लीजिए। इनरोल कराने के लिए अब जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, यूज करिए कोड EasyNotesNTA। तो जल्दी से जल्दी आप हमारा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, सारी डिटेल अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, यहां पर बता देते हैं कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि आपका खुद का है वही आपको देना है, तभी आपका एप्लीकेशन नंबर उसमें जो है जनरेट होगा। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर को अपने पास आपको नोट डाउन करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। स्कैंड इमेज आपकी चाहिए होगी, यानी फोटोग्राफ। साथ ही सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से ही आप करिएगा वाइट पेपर पे। साथ ही जब आप फीस पूरी कंप्लीट कर देंगे तभी आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो भी आपका नाम है, मदर फादर नेम है, जो आपका हाई स्कूल में था, ठीक है, तो वही आपको करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सही डालना है, एक ही डालना है, आप बार बार चेंज मत करिएगा, ठीक है। और आपका जो है फाइनल सबमिशन से पहले आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन जो है अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन विंडो सिर्फ एक बार ओपन होगी 5 से 9 मार्च के बीच में, उसके बाद में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के अच्छी तरीके से करने के बाद ही फाइनल सबमिशन करिए एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। एक बार करेक्शन विंडो बस ओपन होएगी तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। साथ ही अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सबका ध्यान रखना है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको डायरेक्टली NTA को नहीं भेजनी है। अपना जो कैटेगरी है वो भी आपको ध्यान से भरनी है। आपको जो अपनी फीस है वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली सबमिट करनी है, तभी आपका जो है कंफर्मेशन पेज निकलेगा। इन केस अगर ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप दोबारा से उसको ट्राई करिए, दोबारा से ट्रांजेक्शन करिए, और जो आपका डिक्लाइन हुआ है वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी भी EWS है या फिर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है या माइनॉरिटीज़ ये हैं वो आपको स्पेशली मेंशन करनी होगी। अपना जेंडर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही चॉइस ऑफ सिटी यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। अगर आप होम टाउन चाहते हैं अपना, तो सबसे पहले आप उसी को डालिए। एक चीज़ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है फोटोग्राफ के बारे में। फ़ोटोग्राफ 1 अक्टूबर के बाद की होनी चाहिए और क्लियरली आपका नाम और जो है डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटो नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ चीज़ मेंशन करी है, फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इनकेस अगर आपने फ़ीस डिपॉजिट भी कर दी है तो भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना है, फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको जो है उसमें अपना नाम, ऐसी मतलब फ़ोटो लेनी है कि जिसमें आपका नाम भी मेंशन हो, साथ ही आपका जो डेट है जिस टाइम आपने फ़ोटो ली है वो भी मेंशन होना चाहिए। साथ ही सिग्नेचर भी आपका अच्छी तरीके से हैंडराइटिंग में ब्लैक इंक पेन से वाइट पेपर पर होना चाहिए और अच्छी तरीके से स्कैन होना चाहिए। ये चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़िए और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।